Hi everyone, welcome to UG entrance examination by the 24 7. So, I have come up with another university which is the Central University of Rajasthan, and as I have already told you that. दीज uh, सीरीज uh, uh, जो कि बेसिकली uh, चल रही है राइट तो सीरीज वुड बी सेड एज जिनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए अगर आप सभी लोग जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है सीयू डी के एग्जाम अगर आप लोगों ने दिए हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं थोड़ा बहुत हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में जानना चाहेंगे यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ क्या जो ओवरऑल पूरा आप लोग को यहां पर छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगी जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं राजस्थान के बारे में बात करूं तो राजस्थान में ओल्ड टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में हम मैंशन कर देते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर एक सिंगल ही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है ठीक है इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑल टोटल 24 हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें अगर हम तो 52 हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज राजस्थान में 6 हैं तो ऑल टोटल अगर आप देखें यहां पर तो आपके पास अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज हैं टू गेट प्लेस्ड ओके अगर अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और राजस्थान के बारे में तो आपको uh, एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर से जरूर आता होगा कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है क्या ये गवर्नमेंट है सो द आंसर इज कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और ये एक एक्ट के तहत बनी थी ठीक है एक्ट नंबर ऑफ एज एज न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इज फुल्ली फंडेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारा केंद्र सरकार है वो इसको फंडिंग कर रहा है तो आप लोगों को एक चीज समझनी होगी यहाँ पर कि अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जाएंगे तो वहाँ के जो चार्जेस हैं या फिर वहाँ की जो फी है वो डेफिनेटली

एटमोसफेयर है वो साउंड नहीं लगेगा लेकिन सोशल गैदरिंग वहां पर अच्छी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो अपने आप में दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो अपने आप में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है और और प्लेसमेंट रिकॉर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने की वजह से अच्छी

अगर फीस के बारे में बात करें तो तो आप आप देख सकते हैं हैं हॉस्टल हॉस्टल फीस फीस बच्चे अक्सर पूछते मैं राजस्थान की यहाँ पर आप को बताना पड़ती है।, है।, तो है और सिक्योरिटी डिपोजिट होता है कुछ इतना मतलब जनरली डबल होता है बट ये सिक्योरिटी डिपोजिट होता है कि अगर आप छोड़ोगे तो आप एक महीने पहले बता करके छोड़ोगे और मेस एडवांस कम सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका ग्यारह हजार के आसपास होता है तो टोटल सत्रह हजार पांच सौ पचहत्तर के आसपास आपकी टोटल फीस आपकी पड़ती है सेमेस्टर वन की सेमेस्टर टू तक जाओगे आप तो थोड़ी सी फीस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है फिर बच्चे से पूछते हैं कि मैम क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सी के अंडर आती है तो आपको पता है जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी आपके सीयूईटी के अंडर हैं यानी कि अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया है तो आप यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जितनी भी सेंट्रल है लेकिन द मैटर ऑफ कंसर्न कि क्या आपने वो डोमेन स्पेसिफिक दिए हैं जो कि इन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड है तो अगर उन्हें चेक करना है तो वो भी आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी कि हु एज दी चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी तो मिस्टर है, है और अगर यहां पर कि क्या -क्या हैं जो बहुत बड़ी हैं अपने आप में अपडेट के तौर तो पर आप लोगों को पता भी होनी चाहिए ये सारी चीजें मैं बताऊंगी कि इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है कब से स्टार्ट हो चुका है कैसे अप्लाई करना है आप लोग को बताना चाहूंगी कि कौन कौन से कोर्सेस पर प्रोवाइड किए जाने

Uh, हाँ मैं बात करती हूँ डोमेन स्पेसिफिक आप लोगों ने कौन कौन से दिए होने चाहिए तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री और बायो, बायोलॉजी होना चाहिए तो अगर आप इंटीग्रेटेड करना चाह रहे हो तो आप दोनों ही कर सकते हो चाहे पीसीबी वाले हो चाहे पीसीएम वाले हो टेन प्लस यानी कि ट्वेल्थ में आपका फिफ्टी मार्क्स होना चाहिए और अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो मेजर रिजर्व कैटेगरी नहीं अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके फोर्टी मार्क्स भी चल जाएंगे इंटीग्रेटेड एम यहां पर आपको बायो केमिस्ट्री में भी मिल रहा है फिजिक्स बायो केमिस्ट्री है तो बायोलॉजी तो बायो नेसेसरी होगी यानी कि पीसीबी वाले इसको दे सकते हैं ट्वेल्थ 12, आपका ट्वेल्थ क्लास जो है वो फिफ्टी परसेंट मार्क्स Uh, होना चाहिए साथ ही साथ में फोर्टी फाइव परसेंट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी चल जाएगा इंटीग्रेटेड एमएससी अगर आप माय, बायोलॉजी में करना चाहते हो तो अगेन आपको पीसीबी कॉम्बिनेशन में चाहिए होगा फिफ्टी मार्क्स आपके क्लास ट्वेल्थ में होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फोर्टी भी चल जाएगा अगर आपको एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में करना है तो आपको दो कॉम्बिनेशन होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आप देखिए इनवायरमेंटल साइंस है तो आपका पीसीएम से भी चल सकता है पीसीबी से भी चल सकता है में आपके मार्क्स होने चाहिए, चाहिए। यहाँ पर कुछ चीजें फिक्स करी गई हैं जो मैं आपको बताना भूल गई केमिस्ट्री <laughs> में अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास केमिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए ट्वेल्थ <laughs> में अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे फिर उसके बाद अगर आप बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री bio के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास बायो Uh, एक uh, मतलब फिक्स्ड सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए तब आप जा सकते हो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हो तो यहाँ पर भी आपको बायोलॉजी एक फिक्स तो ही चाहिए, चाहिए, चाहिए क्लास ट्वेल्थ में अगर आप पीसीएम साइड से हो तो आप नहीं कर पाओगे इसको फिर यहां पे बोला जा रहा है अगर आप एनवायरमेंटल साइंस के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास ट्वेल्थ में या तो बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए तो पीसीएम हो या तो पीसीबी हो राइट इसके अलावा फिफ्टी परसेंट मार्क्स चाहिए और फोर्टी फाइव परसेंट आपके रिजर्व कैटेगरी में चले जाते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी करना है तो इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में भी आप लोगों को मिल रहा है बट पीसीबी रिक्वायर्ड है आपका डोमेन स्पेसिफिक में आपने दिया होना चाहिए ट्वेल्थ में...

होनी ही होनी चाहिए एज ऑप्शनल सब्जेक्ट 50 से काम चल जाएगा रिजर्व वालों का 45 से इंटीग्रेटेड एमएससी अगर आपको कंप्यूटर साइंस में करना है तो कंप्यूटर साइंस वाले भी पीसीएम वाले होने चाहिए ट्वेल्थ में उनके पास मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल होना चाहिए फिजिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है फोर्टी रिजर्व कैटेगरी में चल जाएगा फिफ्टी मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व के लिए

अच्छा मैं ये आपको बताना भूल गई डोमेन स्पेसिफिक में आपने यहाँ पर जनरल टेस्ट दिया होगा तो आपका काम बन पाएगा राइट right? पीसीएम या पीसीबी रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं मांगी है लेकिन आपको यहाँ पर क्या चाहिए जनरल टेस्ट चाहिए सिमिलरली अगर आप देखें तो आपको लिंग्विस्टिक के लिए भी जनरल टेस्ट चाहिए जनरल टेस्ट इज रिक्वायर्ड इट इज एज मस्ट आई से राइट टेन प्लस टू आपका मैथमेटिक्स विद एनी अदर सब्जेक्ट हो सकता है फिफ्टी परसेंट मार्क्स चाहिए क्लास ट्वेल्थ में आपके फोर्टी फाइव परसेंट आपके रिजर्व कैटेगरी में चल जाएंगे ठीक है तो ये आपके कोर्सेज हैं जो कि आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है इतने कोर्सेज टोटल हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि राजस्थान में आपको सारे के सारे इंटीग्रेटेड ही कोर्स मिलने वाले हैं राइट अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ी सी और आप इसकी साइट पर जाएंगे तो जैसे ही आप इसकी साइट खोलेंगे यहाँ पे ऊपर ही लिख करके आ जा रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री

Uh, के बेस आप बोल सकते हो कि ये चल रही है राइट आपकी जो विजिटर हैं द्रौपदी मुर्मू यहां पर रह चुकी हैं इसके अलावा थोड़ा बहुत और चीजें भी हमें पर पढ़ने के लिए मिल जाती हैं बहुत सारी द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इज कमिटेड टू एंड सस्टेनिंग क्वालिटी इन ऑल भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये काम तो करेगी ही करेगी इसके अलावा आपका ये फिफ्टी प्लस मास्टर कोर्स आपको प्रोवाइड करती है और पी एच प्रोवाइड करती है ट्वेंटी डिपार्टमेंट्स में यूनिवर्सिटी ऑपरेट कर रही है एक परमानेंट कैंपस भी जो फाइव एकर्स में आपका बना हुआ है और इसके पास बहुत हॉस्टल्स भी है जिसमें टू थाउजेंड आराम से रह सकते हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है राइट सो so, आप सोचिए राजस्थान यूनिवर्सिटी भी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है ठीक है सो दिस इज समथिंग विच यू पीपल शुड नो इट्स रियली वेरी नेसेसरी 2009 में इसका इस्टेब्लिशमेंट भी हो चुका था अच्छा अब बच्चे जनरली मेरे से पूछते हैं कि मैम थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए इसके बारे में तो देखो लिंक मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को प्रोवाइड कर दूं अभी नहीं तो बाद में जरूर से जरूर प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको कुछ भी जानना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट के बारे में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप देखें यहाँ पर यहाँ पे एक एक कोर्स की आपकी फीस मैंशन है को जो जो कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं और उसकी कोर्सेज की जो जो फीस हैं आप यहाँ नीचे जा करके देखेंगे आपको सारे कोर्सेज की फीस वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगी राइट right? क्या कोर्सेज हैं क्या फीस है एवरीथिंग यू विल गेट इवन ट्यूशन फी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा राइट right? इसके अलावा अगर आप देखें रिव्यूज में जा करके तो इसकी ऑल टोटल रेटिंग 4.2 है आप

अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर आप जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा यहां पर कि एक्चुअली में वर्थ ऑफ मनी है ये राइट और कुछ अगर आपको यहाँ पर जानना है प्लेसमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट का क्राइटेरिया आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मैंशन किया गया है आप देखें 2019 में थ्री लाख तक पैकेज गया था 20 में आपका सात लाख तक पैकेज गया था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में पांच लाख तक का गया अब डिपेंड करता है सी के थ्रू हो, हो सकता है कि और अच्छा चला जाए क्योंकि आपका ये सिंगल इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे आपका पेपर हो रहा है राइट हाँ एक और चीज बताती चलू आप लोगों को अगर आपने अप्लाई करना है तो बिना सोचे समझे आप इसकी वेबसाइट पर जाए ठीक है जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे आपको ये ये वाला पार्ट क्लिक करना है आप ये देखें इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्रामी टी टू एंड थ्री आपको भी बताया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही आपको प्रोवाइड कर रहा है लास्ट डेट आपकी टेंथ ऑफ अक्टूबर है आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर जाकर के लॉग इन कर देना है आपको पता है आपका आई डी और आपका पासवर्ड आप सीधे सीधे जा करके लॉग इन करें और आप आराम से जा करके फटाफट जो भी आपके प्रोसेस है उनको कंप्लीट करें आपका अभी सी यू टी का स्कोर भी आपके पास है आपके पास सारी आपकी डिटेल्स भी हैं आप जाकर फॉर्म फिल करें टाइम ना लगाए वरना इट विल क्रिएट अड ऑफ प्रॉब्लम क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये होता है ना कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला ठीक है सो आई होप स्टूडेंट्स की मैंने अभी तक आप लोग को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी होगी यहाँ तक अगर अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है किसी तरह का को कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछ सकते हैं एंड एंड विद दिस माय डियर स्टूडेंट आई हैव कम टू टू द द द ऑफ सेशन प्लीज प्लीज डू डू आस्क 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 एवरीथिंग यू पीपल वांट इट इन कॉमेंट सेक्शन आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन और अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और उस पर रिव्यू चाहते हैं तो आप प्लीज हमसे डिमांड कर सकते हैं कि कॉमेंट सेक्शन में कि मैम इस, 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 इस यूनिवर्सिटी का रिव्यू दे दीजिए तो डेफिनेटली आई विल कम अप विद दैट आल्सो रेस्ट एवरीवन थैंक यू बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल